नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ दो बहुत प्यारे बच्चे हैं, विश्वजी गुप्ता। क्योंकि सबको आप देखो, आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सबको शाम को मेरी आवाज सुनने मिलती थी, बच्चों के नाम आते थे। और मेरे पास हमारे कक्षा का बच्चा सचिन बीरक है, मेरे लाडले बेटे। आपका स्कोर है डियर 690 और गुप्ता का स्कोर है 679। तो मैं सबसे पहले विश्वजी गुप्ता को माइक देना चाहूंगा। आप अपनी बात रखिए बेटा, प्लीज अपना पूरा देते हो। जय सी एल सी, मेरा नाम बेशनधारी गुप्ता है। मैंने 11th 12th सी एल सी अलवर से करी थी फाउंडेशन, पर 12th में मेरा स्कोर मतलब 572 था। तो उसके बाद मैं सीकर आया। सीकर में मतलब फैकल्टी तो बढ़िया थी, मेरे को पहले से पता था कि सी एल सी में मतलब टेस्ट सीरीज होती हैं, अच्छी होती हैं और मतलब पंक्चुअलिटी होती है टेस्ट सीरीज की। फिर उसके बाद नाइट कैंप जो स्टार्ट हुए, तो उससे मेरा बहुत मतलब बूस्टअप हुआ, क्योंकि नाइट कैंप में 7 से 12 जैसे बैठे रहने से मतलब सारी स्टडी अच्छे से हो जाती थी पूरी। मतलब हॉस्टल में रहने से, मतलब हॉस्टल में इतनी अच्छी पढ़ाई मतलब नहीं कर पाए जितनी वहाँ पे नाइट कैंप में हो गई। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है और नाइट कैंप की सुविधा मेरे को अच्छी लगी। धन्यवाद पापा। फोन दो अपने हरी मोहन जी गुप्ता सर, प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जय सी एल सी के, मैंने इनका एडमिशन सी एल सी अलवर में करा दिया था फाउंडेशन में। और जब मुझसे मेरे परिवारजनों ने, रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि आपने आयरन में कोटा क्यों नहीं भेजा है, आपने सी एल सी में ही क्यों कराया, कि भाई मुझे तो बढ़िया लगा इसलिए मैंने सी एल सी में कराया है। और एक्चुअली में क्या हुआ कि जब 12th में था तो ये दिसंबर में बीमार हो गया, और बीमार ऐसा हुआ इसको कभी दर्द हाथ में और हार्ट में, तो मैंने इसको घर ले गया वापस और हार्ट वाले को दिखाया। आपके ऊपर कहाँ के दीख थे और दिखाया वापस इसको, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, सबको दिखा लिया और इसको एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार बता दिया। तो मैंने इसको घर पे ही रख लिया फिर, और 12th के एग्जाम भी घर से ला के इसको दिलवाए, और इसके बाद ये घर पे ही रहा और कोई तैयारी इसने नहीं की। और फिर शादी थी इसी सिस्टर की 10 दिसंबर की, शादी अपने आप पता नहीं कब कब लगा रहा है ये पढ़ने में। और दिसंबर की शादी, जब इसका रिजल्ट आया तो इसके 572 मार्क्स उसमें नीट में आ गए, तो हमें तो आश्चर्य हुआ। तो बॉस का फोन पहुंचा, तो भाई अब इसको सी एल सी ले आओ तुम यहाँ। तो जैसे ही 10 दिसंबर की शादी थी तो 20 तारीख को हम इसको आकाश, इसका दोस्त था, दोनों को इसमें आकाश मित्तल, दोनों को एक साथ छोड़ गए, एक ही कमरे में रहे और दोनों का ही सिलेक्शन इस बार हो गया। आकाश स्कोर क्या है? आकाश का स्कोर है उसका स्कोर 650 का स्कोर आकाश का भी, दोनों का हो गया। थैंक यू सर। तीन बच्चे आए थे, रवेश, आकाश और ये बेसिक गुप्ता, तीनों बच्चे 50 पार कर गए। अब मैं चाहूंगा सचिन बिरक जो हमारे सीकर के पास का बच्चा, अपने बात करते हैं बेटा। मेरा नाम सचिन बिरक है, मेरा विद 12th स्कोर था 488 एंड फिर मैंने ड्रॉप लिया, तो सेकंड टाइम में मेरा 600 स्कोर था। फिर एक बार मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, BDS ले लेते हैं, वेटनरी ले लेते, पर मम्मी पापा बोले यार करना है तो कर ले रिपीट, वरना फिर BSC कर ले वो सही है वेटनरी वगैरह से। तो फिर मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे दिसंबर में टेस्ट सीरीज में, क्योंकि मेरे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लास्ट ईयर था कि ऑनलाइन था और मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिए थे सारे। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ टेस्ट देने चाहिए रोज, फिर मैंने रोज टेस्ट दिए यहाँ पे। और मई में इस बार वापस कोविड की वजह से मैं घर चला गया था, फिर वापस आने के बाद में भाई बायोकैम खत्म हो गए, तो मेरे को ऐसा चिंता हुई कि भाई काफ़ी बच्चों ने बायोकैम दे लिए, मैं तो रह गया। फिर जैसे बॉस ने फिजिक्स इको स्टार्ट करी, मैंने वो मिड से चालू की, उसके बाद से लेके मैंने नीट तक डेली टेस्ट दिए और मतलब अच्छा रिजल्ट आपके सामने है ही। और मैं तो मतलब कभी बात भी नहीं हुई बॉस से, एक बार इन्होंने मेरे को डांटा जरूर था, मतलब पर्सनली नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने कुछ फॉर्म मंगवाए थे तो वो मैंने दोस्त के थ्रू भेज दिए, तो वो कहीं मिक्स हो गए, तो फिर मैं कार्ड नहीं बना, हम आया टेस्ट देने तो इतना ऐसे चिल्लाए, मैं तो अभी भी नर्वस फील कर रहा हूँ, मैं तो भाग के बाहर से कि चलो रहने दो, आज का टेस्ट नहीं देते। फिर मैं उसी दिन मेरे सबमिट कराए, अगले दिन कार्ड बना, तो मैंने सारे टेस्ट दिए और मैंने मतलब अपने दोस्तों को बोला कि भैया यार बढ़िया है, आप भी ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज। तो मैंने दो दोस्तों को ज्वाइन कराया, उनका भी सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सचिन, थैंक यू। आपने बहुत प्यारी बात कही कि लास्ट टेस्ट हुए CLC के 6 मई, मुझे की डेट याद है, 6 मई को बायोकेम स्टार्ट हुआ, जो चला 10 जून तक, 14 मई को इको फिजिक्स स्टार्ट हुआ, जो चला 26 मई तक, 28 मई को DCM स्टार्ट हुआ, जो चला 22 अगस्त तक, 23 अगस्त से जनरल स्टार्ट हुआ, जो चला 8 सितंबर तक, यानी 6 मई से लेकर 8 सितंबर तक 136 दिन में हमने आपके दादू के 104 टेस्ट करवाए का प्रमाण
आपके व्हाट्सएप पे है, और टेस्ट नहीं होता था केवल, उसकी पेपर की पीडीएफ फाइल आपके पास आती थी, बाकायदा सॉल्यूशन आता है, वीडियो सॉल्यूशन, वो भी कौन सा वीडियो सॉल्यूशन। आज यूट्यूब पर आपके अपने सीएलसी के 32,000 क्वेश्चन, 32,000 बोल रहा हूं साहब, 32,000 क्वेश्चन का वीडियो पढ़ाया सॉल्यूशन है, जो 20 मार्च 2020 को जीरो पर था। उसके बाद जैसे मेरी आवाज नहीं, आपके मेरे फिल्म नहीं आना, मेरी आवाज नहीं, ताकि बच्चे लगे बहुत खुश किया, और बिल्कुल सचिन ने कहा कि मैं फॉर्म लेके नहीं आया, तो मैं इसको डांट किया मैंने। तो ये बात अब भी कहना चाहता हूं मैं कि जब सीएलसी की व्यवस्थाओं की पालना कोई नहीं करता है, तो फिर मेरे लिए सबसे बड़ी कौन है? सीएलसी है। आप जिंदगी में अनुशासित नहीं है तो आपको बड़ा बनने का कोई अधिकार नहीं। तो ये चीजें होती हैं। आप भाई हैं छोटे बड़े, आप क्या करते हैं बेटा? आप अपनी बात रखिए बेटा। मेरा भाई ने बताया कि बॉस ने डांट दिया, मैं केवीएम में पढ़ा हूँ, सर मैथ पढ़ाते हैं, मैं बॉस को अच्छी तरह जानता था, इसने कहा कि यार बॉस ने डांट दिया, मैंने कोई बात नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा तेरे लिए। सबसे बॉस की लाइन बोलते थे बॉस असेंबली में, सीएलसी थी, सीएलसी है, सीएलसी रहेगी। ये तो डांट का मतलब क्या है? देखो साहब, आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओ, गलत एग्जाम बोल रहा हूँ, आपने शराब पी रखी है तो भी दुकानदार आपको सामान देगा, पैसे ले लेगा। आप सिगरेट पी रहे हो तो भी दुकानदार सामान लेगा, पैसे लेगा, सामान दे देगा। मैं साहब दुकानदार नहीं हूँ, शिक्षक हूँ, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ साहब, मैं कोई प्रॉपर्टी वाला नहीं हूँ कि बिल्डिंग बना के यहाँ धंधा कर रखा है, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होना चाहता हूँ। मेरे किसान बच्चा गलती करेगा मुझे गुस्सा आएगा, और मेरे गुरु जी कहा हुआ है जिस दिन तुझे तेरे बच्चों पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा ना, मान के चलना का शिक्षक मर गया उस दिन, फिर तू दुकानदार बन जाएगा। अब तक तो बना नहीं, आगे बढ़िया प्रोग्राम नहीं है कोई। थैंक यू। ये दोनों बच्चे रहे, और के बाद और के मैसेज बच्चों के नाम जो विद 12 सेलेक्ट होना चाहते हैं वो तो जो सेलेक्ट हुआ है उनसे पूछे। मैं ड्रॉपर्स के लिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट 50% इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना, जो आपको डेली देने चाहिए, क्योंकि इस बार जब नीट में देने गए तो वहाँ पे पेपर लेंथी था, टाइम कम मिला, तो फिजिक्स के लास्ट में 15 मिनट में मेरे हाथ दूजने लग गए, और फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि मैंने सर्कल, क्योंकि वो सीएलसी में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने सोचा सोल्व करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा अब हाथ नहीं हिल रहा, मेरे को ये नहीं पता कि मैं करूँ क्या करूँ क्या, फिर मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद थे, मैंने वो के वो टिक लगाया, मैंने वहाँ पर सोल्व भी नहीं किया, क्योंकि वो तीनों क्वेश्चन मेरे देखे हुए थे सीएलसी के पेपर में। आप 695 पे हैं, आपको 3 सीएलसी एजेंट मिल गए, तो 686-695 लाने में एक बड़ा रोल सीएलसी का रहा। क्या बात, सब बात ये। और मैं मतलब ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि मैं टेस्ट सीरीज का हूँ, क्योंकि बॉस ने जो भी क्लासरूम के स्टूडेंट्स को बुक्स दी थी वो हमें भी प्रोवाइड कराई थी, कैंप के लिए भी बोल रहा था कि आप आ सकते हो आराम से, तो मैं पापा को बोलता था कि पापा यार सारी बुक्स दे रहे हैं हमें तो ऐसे लगता नहीं, तो पापा बोलते जाट है बेटा, खर्चा तो करेगा। थैंक यू।